हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 101 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। हमने पिछली ऑडियो में पहले अध्याय का 44वां श्लोक पढ़ा था। इसमें एक शब्द अर्जुन जी ने यूज किया है, अगर आप देखें तो पहली लाइन में है, महत पापम। महत पापम का अर्थ है महान पाप कर्म। तो अर्जुन जी पाप करने से डर रहे हैं, और वो भी महान कैटेगरी के पाप की वो बात कर रहे हैं। अगर हम पाप के बारे में और थोड़ा सा आगे जाएं तो हम देखते हैं कि 6 कारण ऐसे होते हैं जिनके कारण कोई व्यक्ति पाप कर बैठता है। यानी ये कह सकते हैं कि पाप के जो जन्म स्थान है वो 6 हैं। सबसे पहला है काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है लोभ, चौथा है मोह, पांचवा है मद और छठा है मत्सर्य। ये आपने शायद सुना भी होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। सबसे पहले हम लेते हैं काम को। काम का अर्थ होता है किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, काम वासना। सेक्स लाइफ से भी कनेक्टेड होता है ये, सम्मान पाने के लिए भी होता है ये। कई लोगों को सम्मान पाने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, वो फेमस बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं जहां कहीं भी जाएं लोग उनको रिस्पेक्ट दें, फूल माला पहनाएं, उनका इंटरव्यू लें, हर जगह वो छा जाएं, जिस भी संस्था में कहीं पे भी जाएं वहां के लीडर हों। सम्मान की तीव्र इच्छा है, इसके लिए वो कुछ भी कर बैठते हैं। मतलब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, आई शुड नॉट कमेंट, बट मैं ऐसा अखबार में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने चुनाव जीतने के लिए अपने ही भाई का मर्डर करवा दिया। मतलब लोग कुछ भी कर बैठते हैं, बस उनको जंग में जीतना है, चुनावी जंग हो या कोई भी जंग हो, हर चीज में वो जीतना चाहते हैं। ये काम वासना तरह तरह के पाप करा देती है। अब अगर हमारे अंदर तीव्र इच्छा अपने गुरु की सेवा की है, अगर तीव्र इच्छा प्रचार की है, अगर तीव्र इच्छा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं प्रसाद बना के खिलाऊं, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करूं, तो ये आध्यात्मिक इच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसी तरह से दूसरे नंबर है जो कि पाप को जनरेट करता है, वो है क्रोध। क्रोध भी नेगेटिव चीज है, आप सब जानते हैं, मैं क्या इसके बारे में डिस्कस करूं। क्रोध पे विजय पाना कितना मुश्किल है ये भी हम सब जानते हैं। क्रोध आ ही जाता है, बट बहुत सारे लोग सतोगुणी होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, शुद्ध सतोगुणी नेचर के, उनको क्रोध नहीं आता। वो कभी कभी नकली क्रोध का प्रकट करते हैं अपने से जूनियर लोगों को गाइड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, अदरवाइज उनको वास्तव में कोई क्रोध नहीं आता, उनको कंट्रोल रहता है अपने ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे भक्त हैं। अब क्रोध बुरी चीज है डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी आध्यात्मिक क्रोध भी होता है। जैसे मैंने कहा, सपोज एक गुरु को क्रोध आ रहा है या माता पिता को क्रोध आ रहा है, वो बच्चे को ठीक करना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो क्रोध पाप है। कई बार अपने से छोटे को, जैसे मैंने कहा गुरु को अपने शिष्य को या माता पिता को अपने बच्चे को सही राह पर लाने के लिए हल्का क्रोध करना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हनुमान जी को भी क्रोध आया जब उन्होंने लंका जलाई, आध्यात्मिक क्रोध है, इस क्रोध में भी कोई समस्या नहीं। कुछ लोग ऐसा सोच बैठते हैं कि अगर कोई भक्त है तो उसको कभी भी किसी भी सिचुएशन में कैसे भी क्रोध नहीं आना चाहिए। अब नेचुरली अगर कोई बहुत अच्छा पुजारी है और वो देखेगा कि भगवान की जो ड्यूटीज हैं उनकी ठीक से जो है वो डेकोरेशन नहीं की गई है, या भोग की थाली गंदी है, या ठीक से भोग नहीं बनाया गया, या साफ सुथरे हाथ नहीं है, या कुछ है, तो वो अपने साथ जो जुड़े हुए अभी अगर कोई नए भक्त आए हैं तो उनको हल्का क्रोध कर सकता है। नेचुरली भगवान की सेवा अगर क्वालिटेटिवली नहीं हो रही है तो क्रोध आएगा ना अच्छे भक्त को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त कभी क्रोध में आ ही नहीं सकता, ऐसा हम ना सोचें। आध्यात्मिक क्रोध भी होता है, एक भौतिक, हर चीज भौतिक भी है आध्यात्मिक भी है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है वो आध्यात्मिक दुनिया की ही तो रिफ्लेक्शन है। तो आध्यात्मिक क्रोध में कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। इसी तरह से हम मोह की बात करते हैं, नहीं हम सॉरी, थर्ड हमारा पॉइंट है लोभ। लोभ होता है कि जो हमारे पास है हमें उससे ज्यादा की कामना है, ये लोभ भी हमें पाप में डालती है। आध्यात्मिक लोभ है तो वही ना कि जितना हम कर पा रहे हैं उससे ज्यादा करने की इच्छा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन भौतिक लोभ भी हमें पाप में डाल देता है। चौथा है मोह। मोह वैसे तो होता है अटैचमेंट, किसी एक व्यक्ति विशेष से हमें मोह है, हम चाहते हैं कि भाई इसी का भला हो या सब कुछ लाभ इसी को ही मिल जाए, है ना, राग की तरफ भी ले जाता है ये। एक मोह होता है इल्यूजन, यानी कि हम कंफ्यूज हैं, जैसे कहते हैं ना किसी ने मोहित कर दिया, या वो कुछ लोग लूटने वाले जैसे सब मोहित कर देते हैं, तो मोह एक इल्यूजन के लिए भी होता है, यानी कि जो सही नहीं है उसको हम सही मान रहे हैं, जैसे शरीर या अपने परिवार को ही अपना समझना।
ये इल्यूजन है, ऐसी सोच से भी पाप होने लगते हैं। नेचुरली फिर हम उसी को ही अपना मानेंगे, तो जो कुछ चाहेंगे उसी के लिए चाहेंगे, बाकी दुनिया समाज तो फिर भाड़ में ही जाएगा। आज लोग कितने सेल्फ सेंटर्ड हो गए, इसीलिए तो पाप हो रहे हैं, है ना। या ये सोचना कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, या अगला जन्म तो कुछ होता ही नहीं, तो ये सब चीजें मोह है। खत्म कैसे होगा मोह? भक्तों के संग से। भक्तों का जब संग करेगा तो धीरे धीरे उसको ये चीज समझ में आने लगेगी कि मोह अब मेरा खत्म हो रहा है। और आध्यात्मिक मोह क्या है इसी में, कि भगवान को अपनी संतान समझ लेना। जैसे कुछ लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, अपने गुरु की आज्ञा से आप ये सेवा कर सकते हैं, तो भगवान कोई आपके बच्चे थोड़ी हैं, लेकिन ये एक आध्यात्मिक मोह है और इस मोह में भी मधुरता है। या जैसे गोपियां भगवान को अपना पति मान लेती हैं, तो ये सब क्या एग्जाम्पल है। या भगवान को अपने मित्र सखा भाव में ले लेते हैं, बहुत सारे ब्रजवासी मैंने देखा है कि वो काना काना करके बड़े फ्रेंडली वे में उनको संबोधित करते हैं, तो ये क्या है, ये सब चीजें आध्यात्मिक मोह है, लेकिन इनमें कोई पाप नहीं है, रादर ये तो भक्ति है, प्योर भक्ति है। आध्यात्मिक मोह तो हमें होना चाहिए, है ना। अगर हमें मोह नहीं है तो कैसे भक्ति करेंगे, मतलब आध्यात्मिक मोह नहीं है तो, है ना। वैसे जो अर्जुन का मोह था वो खत्म हुआ बिल्कुल लास्ट श्लोक में, जो अर्जुन जी ने लास्ट बोला, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन ने क्या कहा लास्ट में, कि कृष्ण अब मेरा मोह दूर हो गया और आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित हूं और दृढ़ हूं। हमने याद होगा पिछली ऑडियोज में बात की थी कि संशयात्मा के लिए बड़ी मुश्किल है, तो अर्जुन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं संशयात्मा बन गया था, कंफ्यूज, अब मैं संशय रहित हूं, दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। यहां पर किस चीज के लिए उद्यत हो रहा है, उनको मारने के लिए उद्यत हो रहा है, जबकि 73वें श्लोक में वो उसने क्या कहा, मैं आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। और ये भी चीज हमें समझनी है कि हम भी भक्ति जो है वो मोह खत्म होने के बाद ही कर पाएंगे। जैसे अर्जुन का जब मोह खत्म हुआ तो उसने भक्ति स्टार्ट की, इसी तरह से हमारा भी जब भौतिक मोह खत्म होगा तभी हम भी भक्ति कर पाएंगे। तो चलिए, थोड़ी सी चर्चा और रह गई है इसमें, उसको हम अगले ऑडियो में लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास।